भारत के खिलाफ हार के बाद पीसीबी ने टीम पाकिस्तान में कर दिए 3 बड़े बदलाव। पाकिस्तान से रातों रात भारत के लिए रवाना हुए 2 खतरनाक मैच विनर खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, आखिरकार भारत से मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने कर दिए पाकिस्तान की टीम में कौन से बड़े बदलाव, बताएंगे आपको आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वनडे विश्व कप 2023 में अभी तक पाकिस्तान की टीम ने कुल 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम को 2 में जीत और 1 में हार मिली है। पहले टीम ने नीदरलैंड और फिर श्रीलंका को हराया, लेकिन आखिरी मुकाबले में उसे भारत के खिलाफ 7 विकेट से हार झेलनी पड़ी है। हालांकि पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन की वजह से टीम को हार का मुंह देखना पड़ा है। अब पाकिस्तान की टीम को ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम से मुकाबला खेलना है और ये मुकाबला हमें 20 अक्टूबर को होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो चुकी है और ये मीटिंग 1 या 2 घंटे की नहीं बल्कि लगातार चल रही मीटिंग है। इस मीटिंग में पाकिस्तान टीम के खराब प्रदर्शन को लेकर चर्चाएं जारी है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा बाबर आजम की कप्तानी को लेकर हो रही है और इसके अलावा पाकिस्तान के खराब मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज और खराब गेंदबाजी पर भी बात आगे बढ़ चुकी है। अब इस मीटिंग के दौरान कुछ बड़ी बातें निकल कर सामने आ रही है। शादाब खान की जगह अबरार अहमद को पाकिस्तान टीम में शामिल करने के लिए पीसीबी ने बाबर आजम से कहा है, यानी आने वाले मुकाबलों में अब शादाब खान की जगह हमें अबरार अहमद खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा इमाद वसीम को टीम में शामिल करने पर भी चर्चाएं जारी है और इस मीटिंग में सबसे ज्यादा चर्चा सरफराज अहमद को लेकर हुई है। पीसीबी का मानना है कि सरफराज को पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। हालांकि अभी तक यह मीटिंग जारी है और पीसीबी की तरफ से कोई फैसला सामने नहीं आया है। आपके मुताबिक पाकिस्तान स्क्वाड में बदलाव होना चाहिए या नहीं, आप अपनी बेशकीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।